हेलो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो गुड मॉर्निंग। ये वाला मैं कांच साफ कर रही हूँ क्योंकि पता है शिवांश क्या किए थे, इसमें खीर बनाई थी तो खीर को ला के और इसी में चम्मच से पूरा लगा दिए थे, पूरे कांच पे आधा जितना उनसे मतलब छू पा रहे थे ना उतना उस पे लगा दिए थे। तो मुँह मतलब उसमें दिख नहीं रहा था, साफ लीपा पोती जैसा हो गया था। तभी उसको मैं साफ़ की और वो साफ़ की तो लगे आज सारे दरवाजे को भी साफ़ कर लेते हैं। अभी हॉल में आ गए हैं, दोनों रूम का, किचन का, सारे दरवाजे को पोंछती हूँ। अभी हॉल में आ गई हूँ तो ये देखिए मेन वाला जो गेट है ना, उसमें भी जो ये देखिए फूल पत्ती बनाया हुआ ना, इसमें भी मिट्टी भर जाता है, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दिए हैं। और बाकी यही सब सफाई चल रही है, अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सफाई चल रही है। और मेरा स्टैंड भी गंदा हो गया था, देखिए मैं स्टैंड को भी साफ़ कर देती हूँ। बीच में एक बार ना ये साफ़ किए थे मैंने, ही साफ़ की थी, तो अभी मैं अपने स्टैंड को भी साफ़ कर देती हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो अभी सुबह सारे काम से हो गई हूँ फ्री और आज मैं बनाई हूँ खाने में दाल, और अभी दाल ठंडा हो गया तो इसी को गर्म कर रही हूँ। थोड़ा सा गर्म कर दूंगी ना, ये इसमें तड़का लगाए थे तो जम गया है कि। तो आज मैं बनाई हूँ दाल और बनाई हूँ पालक पनीर और बनाई हूँ पुलाव। तो अभी मैं जा रही थी खाना खाने के लिए, अपने लिए और श्रेयांश के लिए खाना निकालूंगी, तो थोड़ा सा दाल को गर्म कर लेती हूँ। घी ऊपर ऊपर जम गया तो अभी मैं गर्म करूंगी और खाना निकाल रही हूँ। तो आज आप सब भी खाना खाने के लिए जिसको जिसको खाना है, पालक पनीर और रोटी और पुलाव, तो निकाल रही हूँ खाना। मेरा दाल गरम, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ दाल थोड़ा सा। और शिवांश की चल रही है उधर मस्ती, शिवांश टीवी देख रहा है, तो अभी मैं लेके जा रही हूँ, तुमको भी खिलाऊंगी। तो आइए आप सब भी खा लीजिए। अभी मैं जा रही हूँ, आज मन कर रहा है एक मूवी देखने के लिए, तो अभी मैं जा रही हूँ मूवी देखने के लिए। तो आप सबसे मिलते हैं खाना बना खाते। दोपहर का टाइम हो रहा है और नीचे अभी पार्सल वाले भैया आए हैं, तो कुछ सामान है जा रहे हैं लेने के लिए। तो आप सब कैसे हैं? तो आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो चलिए चलते हैं, चलो नहीं उधर से सीधा चलो, शॉर्टकट नहीं लेना है।
जाएगा। चलो अरे गिराओगे। ये देखिए इसका इतना हाथ, तुम्हारा हाथ भी इतना हाथ कट गया, एकदम परेशान हो गया। इसको ऐसे उठाया और हाथ कट गया, इसी में फंस गया। ये साइड से खुला नहीं, सिर्फ हाथ लगाया, इसी में फंस गया। तो कर दो बेटा, ऐसा नहीं करते है ना। अनबॉक्सिंग, इसमें क्या है अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या आया है। आराम से निकालना, देखना देखना, टिन टिन, ये है बैग, ट्रॉली बैग आया है, ट्रॉली बैग। मस्त है ना, मेरा फेवरेट कलर शिवांश का। लाओ देखे, लाओ ना इधर लेके आ। शिवांश का नहीं, श्रेयांश का फेवरेट, श्रेयांश का फेवरेट कलर है। मस्त है यार, अमेरिका सफारी का, अमेरिका पुलिस। हां ऐसे चले गए। क्या लाए हैं? बनाना और लाया मैंगो पिलाए हैं। अच्छा निकालो। ओह नो, ये है बनाना और ये है मैंगो। चचा ना, ये मैंगो, ये तो था चचा। नहीं जी, पक्का वाला मैंगो हो। और चुचू भी नहीं। हाँ ये दोनों लाए हैं। हाँ ये दोनों लाए और ये भी। हाँ लो, सीधा बैठो, सीधा बैठे पढ़ते हैं ना, सीधा बैठे पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो अभी मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। आज दिन में बहुत पेट दर्द हुआ है, पेट दर्द तो मेरा चार दिन हो गया, आज पांचवा दिन है, पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दवा खा रही हूँ तो थोड़ा सा आराम हो जा रहा है, फिर से दर्द चालू हो जा रहा है मेरा पेट। मतलब पानी भी पी रहे हैं तो भी पेट दर्द हो रहा है, खाना खा रहे हैं तो भी पेट दर्द, ऐसा हो गया है। पूरे दिन धीमे 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 करके पेट दर्द कर रहा है, दवाई खा रहे हैं थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे रख दिए थे बैंगन और टमाटर भुनने के लिए, तो खूब बढ़िया से भुन गया है। और आलू में नीचे लिए बॉयल होने के लिए, तो अभी आलू भी हो चुका है, तो अभी जा रही हूँ चोखा की तैयारी करना है। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का चटनी बना दिए हैं, तो ये सारी तैयारी करके रख दी, अभी चोखा नहीं बनाई हूँ। और ये सादी वाली मैं भौरी बना रही हूँ, बट्टी जो बोलते हैं, भौरी बट्टी जो भी बोलिए, तो ये सादा वाला है, इसमें कोई सत्तू नहीं भरे हैं, सिर्फ चोखा और भौरी, सादा वाला भौरी और चोखा बनाऊँगी।
तो ये तो बोल रहे थे मुझे कि मतलब खिचड़ी बनाने के लिए, कि अपने लिए खिचड़ी बना रहा, क्योंकि ये भौरी खाएंगे थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है तो और पेट में दर्द होने लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अब दो दो जगह क्या खाना बनाऊँ, इसी में से थोड़ा सा खा लेंगे, तो फिर मैं अपने लिए अलग से कुछ नहीं बनाई, बस यही बट्टी चोखा ही बनाऊँगी। तो अभी इधर नीचे ही रख दी गैस पर सिकने के लिए, और बस नीचे पलटती जाऊँगी, और इधर अपना चोखा भी बना दी हूँ। तो यहाँ नमक मिला देंगे, बस हमारा चोखा हो जाएगा रेडी। आलू, टमाटर, बैंगन और ये सब धनिया वनिया डाल के चोखा हमारा बन चुका है। और इधर हमारा भौरी भी सिक गया है, देखिए कितना बढ़िया से भौरी सिक गया। तो अभी हम गैस को कर देते हैं बंद और चलिए खाना लगाते हैं। तो आज ये आप सभी खाने के लिए भौरी चोखा, और ये दिन का दाल बच गया था तो मैं दाल ले लूँगी, और थोड़ा सा चावल भी बचा है तो चावल भी थोड़ा थोड़ा हम लोग ले लेंगे। तो भौरी चोखा, दाल तो सिर्फ मैं ही लूँगी, ये लोग दाल नहीं लिए थे, तो इतना ही बचा था, एक कटोरी दाल बचा था। तो अभी जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। तो आज ये आप सभी खाना खाने के लिए, और इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे दोस्तों, बाय।